सरकार चाहती है कि हमें उजाड़ दो, तो सरकार के हाशिए में बांग्लादेश भेज दो, कहीं पाकिस्तान भेज दो, और क्या कह सकते हैं। सात और आठ नंबर का जो प्लॉट है वो तोड़ना चाहती है। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमें इस जमीन के बदले हमें जमीन दे दीजिए सर। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की हाउसिंग फॉर ऑल, फिर ये लोग सारे अछूते कैसे रह गए। तो अब आप ये बताइए, 50 साल से हम लोग पानी के पाउच बेचे, पत्थर तोड़े, रिक्शे चलाए, हम लोग कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, हम लोग स्कूल में बच्चों को कागज के फूल काटकर सिखाते हैं, तो अब हमारे पास पीछे हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, हम लोग कहाँ जाकर बशेरा करेंगे सर। नमस्कार, मैं हूं मुकुंद और अभी हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां साउथ दिल्ली के बदरपुर के पास लगे एक भाट कैंप नाम की जगह है, जहां मज़दूर कलाकार यानी कि जो वो लोग हैं जो स्कूल में बच्चों को पेपर कटिंग के माध्यम से काम सिखाते हैं, उसी से उनका परिवार चलता है। इनकी लगभग 2000 के आसपास की आबादी वहाँ बसती है, जिसमें अब इनके तोड़ फोड़ का संकट इनके ऊपर आ गया है, क्योंकि दिल्ली में पिछले समय हम देखा है कई जगह पे अतिक्रमण के नाम पे लोगों को बेदखल किया गया है। यही शंका और डर लेके ये लोग यहाँ आए हैं, इनको भी, क्योंकि इनके एक हिस्सा को कुछ साल पहले तोड़ दिया गया था और दूसरे हिस्से को तोड़ने के लिए भी एक कंपनी है जो कोर्ट में गई है, जहाँ इनको लगता है जो इनके मकान टूट सकते हैं। इससे बचने के लिए और सरकार से ये कहने के लिए, जो इनको वहाँ पे इनके मकान अगर तोड़े जाते हैं तो उसके बदले इनको पुनर्वास किया जाए, इस मांग को लेकर ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ मौजूद लोगों से हम बात करके समझने की कोशिश करेंगे पूरा मामला क्या है और उनके हालात क्या है, किन हालात में रहने को वो मजबूर हैं। हम 50 साल से हम भाट कैंप में, हमारी कैंप है सर भाट कैंप, पहले तो डोरा तंबू था कैंप, अब भाट कैंप हमारी हो गई सर। हम मोहन कोऑपरेटिव में रहते हैं बदरपुर में। तो सर 50 साल से हम रह रहे हैं, पहले इंदिरा गांधी आवास योजना आई, उसमें हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद राजीव गांधी योजना आई, उसमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद अटल जी योजना आई, उसमें कुछ नहीं मिला। अब हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उसमें भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ऊपर से हमारे पे कोर्ट का केस आ गया सर, ऊपर बोलते कि कोर्ट से तुम यहाँ से साकेत से हार गए, अब हाई कोर्ट लड़ो। हम गरीब आदमी कहाँ से किसको वकील करें। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमें इस जमीन के बदले हमें जमीन दे दीजिए सर, ताकि हमारे आने वाले बच्चों की जो जनरेशन है वो हमारी बेघर नहीं होगी सर। तो इसकी वजह से हम लोग ये धरना कर रहे हैं, हमें सिर्फ जमीन चाहिए सर। हमारे पास इतनी पॉलिसी आती सर, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग सूचना देने आए, यहाँ पर कुछ कहने के लिए आए कि हमें कुछ मिल रहा नहीं, 50 सालों से रह रहे, कोई हमें नहीं दे रहे। पहले ही हमारे 6 नंबर टूटे हुए, हमें कुछ नहीं मिला, ना जगह दी ना जमीन दी, और ऐसी रोड पे आके सड़क पे हम लोगों को डाल दी। हजमेट लोग जाते स्कूलों में सर, छोटे मोटे स्कूलों में अपने आर्ट बताते, कला बताते सर, उससे हमारा खर्चा निकल जाता सर, बाल बच्चों का गुजारा हो जाता सर। जनसंख्या हमारे सर 2000 के आसपास है, सब बच्चे अच्छे लगा के हमारी फैमिली है। हम 5 प्लॉट में थे, जो यूनिवर्सिटी एरिया है वो मोहन कोऑपरेटिव वाला, 5 प्लॉट में थे। एक को तो रातों रात नोटबंदी के चक्कर में हमारे 6 नंबर प्लॉट था, उसे रातों रात उजाड़ दिया, पता ही नहीं चला। पहले तो बोले आपको जमीन मिल रही है, आप साइन करो आपको जमीन मिल जाएगी। जैसे हमारे मिनिस्टर के पास गए तो बोले साइन करो जमीन मिल रही है। जैसे हमने साइन किया, सुबह बुलडोजर आ गई और 50,000 के आसपास पुलिस आ गई। अब हम गरीब आदमी किससे लड़े, हम तो कलाकार हैं, सुबह जाते शाम को खाते हैं। रातों रात 6 नंबर प्लॉट को तोड़ा है, रातों रात गाड़ी आई है, सामान ले गया, सब ले गया और ऊपर से सबको उजाड़ दिया। अब वो 6 नंबर वाले प्लॉट हमारे सारे इधर उधर करके वो भी अपना जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे केजरीवाल से, कि हमें समाज को, हमारे समाज को हमें भी प्रधानमंत्री आवास योजना मिलनी चाहिए, ताकि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे सर, अगर उजड़ गए तो। अभी आज यहाँ पर जो लोग आए हैं वो तमाम लोग कलाकार हैं, जो इस देश में स्कूलों में और कॉलेजेस में जाते हैं, और देश में नहीं विदेशों में जाते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये तमाम लोग बदरपुर भाट कैंप, जिसको डोरा तंबू कैंप के नाम से जाना जाता है, लगभग 30-40 वर्ष पुराने से ये लोग वहां पर रह रहे हैं। ये जो जमीन है वो रेलवे के बहुत नजदीक है, वहां पर तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन है। कहा जा रहा है कि ये जमीन जो है किसी प्राइवेट ऑनर की है,
परंतु 40 साल से जिस जमीन पे ये काबिज है आज उनको वहां से निकाला जा रहा है। प्राइवेट ओनर सुप्रीम कोर्ट में जाता है पर मजदूरों के पास पैसा न होने की वजह से वकील खड़ा न कर पाते हैं और केस हारने की वजह से इनका पूरा का पूरा एक कबीला जो जिसको बोलते हैं वो टूट जाता है और आज वो फुटपाथ पर पड़ा हुआ है और यही हाल फिर इनका होने वाला है। तो हमारे दिल्ली के अंदर 2015 में ड्यूसिप की जो पॉलिसी है जो कि रिहैबिलिटेशन और रिलोकेशन की बात करती है तो इन तमाम लोगों को जब ड्यूसिप की पॉलिसी एलिजिबिलिटी दे रही है जब इनको स्वीकार कर रही है तो इनको लाभ क्यों नहीं दे रही है? अभी तक इनको घर क्यों नहीं मिला? इनका रिलोकेशन क्यों नहीं हुआ? दिल्ली के अंदर 40,000 घर बने हुए बवाना सावदा इन तमाम इलाकों में जो दिल्ली सरकार की ओर से घर बने हैं वो खंडर हो रहे हैं भूत बंगले बन रहे हैं पर इन गरीब कलाकारों को घर नसीब नहीं हो रहा है। 2022 में केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक सबको घर देना है फिर ये लोग सारे अछूते कैसे रह गए? ये तमाम कौन लोग हैं? समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ वो कलाकार जो दिल्ली के नाम को विदेशों में गुंजा रहा है जो इस दिल्ली के ही नहीं पूरे देश भर के बच्चों को कला सिखाता है आज वो भूखा है आज वो नंगा है और आज वो बिना आवास के बेघर है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इनके मानवाधिकारों की रक्षा करे। राशन कार्ड पुराना है आधार कार्ड हमारे पास है जो जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट वो हमारे पास है। जब आप लोग आए तब वहाँ कैसा हालात था? उस टाइम वो जंगल था सर वहाँ पे बच्चे को ना गाड़ते थे उधर ऐसी जमीन थी सर और वहाँ पे दूर दूर से कोई भी घर मकान दिखाई नहीं देता था सर पूरा जंगल था। हम लोग तुकल का बाद बदरपुर से हम पैदल चढ़ते थे कालका जी तक पूरा जंगल था सर इतना जंगल था कि हम बेर तोड़ने के लिए जाते थे यहाँ पे खरगोश रहते थे जानवर रहते थे ऐसे ही जंगल था सर और आदमी 12 बजे दिन से घूम नहीं सकता था इतना जंगल था और हम लोग जंगल काट के सर हमने झुग्गी बनाई और झुग्गी बनाते हमारा छोटा छोटा घर भी बना दिया हमने। अब सरकार हमें तोड़ना चाह रही सर इसके वजह से हम लोग धरना कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि हमें उजाड़ दो तो सरकार के हाशिए में बांग्लादेश भेज दो कहीं पाकिस्तान भेज दो और क्या कह सकते हैं और इनके सारे क्या है? नहीं तो फिर रोड पे आएंगे तो रोड पे पुलिस सोने नहीं देगी फिर कहाँ जाएगी सर। तो अब आप ये बताइए 50 साल से हम लोग पानी के पाउच बेचे पत्थर तोड़े रिक्शे चलाए हम लोग कलाकार है आर्टिस्ट है हम लोग स्कूल में बच्चों को कागज के फूल काट कर सिखाते हैं तो अब हमारे पास पीछे हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है हम लोग कहाँ जाकर बशेरा करेंगे सर।